हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झारखंड में आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, जो कि यहाँ पे एक नया गजट पेश हो गया है जिसमें हमारे झारखंड में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जेएसएससी के थ्रू से। तो जेएसएससी के थ्रू से यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाला है हमारी गवर्नमेंट। तो चलिए वन बाय वन करके इस एग्जामिनेशन और इसका नोटिफिकेशन कब जारी करने वाला है सारे प्रोसेस में बताऊंगी। तो मैं बता देना चाहती हूँ, इसका जो है नियमावली बन के 2015 में ही 7 अप्रैल 2015 को तैयार हो गई थी, लेकिन 2022 में ये अभी जारी कर दी गई है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला जाएगा। तो जब जी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे इसमें हमारा जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें जो है हमारा, इसमें देखिए चौकीदार पद के लिए न्यूनतम आपका जो शैक्षणिक योग्यता होता है वो हमारा मैट्रिक यानी कि झारखंड राज्य से शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा पास उत्तीर्ण होना चाहिए। चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र, तो अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। उम्र सीमा की बात करते हैं तो चौकीदार पद के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष होगी तथा अधिकतर उम्र सीमा के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है वैकेंसी जाने वाली है और इसमें बहुत सारे पोस्ट और भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें जो है हमारा मिनिमम 12th होना चाहिए। इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए शारीरिक माप हमारा क्या होना चाहिए। तो सामान्य जाति के लिए हमारी जो हाइट होती है 160 सेंटीमीटर होती है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होती है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होती है, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करे तो उनका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें देखिए कि और इसमें कौन सा सेकेंड पॉइंट में क्या है कि हमारा जो है फिजिकल टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो देखिए एक मील की दौड़ होने वाली है जिसमें पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले का समय दिया जाएगा, जिसमें एक मील की दौड़ को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। अंक टोटल 20 होगा जिसमें 10 आपको लाके पास होना रहेगा और जो अधिक समय लेते हैं उन्हें यहाँ पे उस एग्जाम से डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक जो महिला यहाँ पे लेती है टाइम वहाँ पे उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा में शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित होगा। इसका हम बात करते हैं मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो होने वाली है, इसमें जो हमारा लिखित परीक्षा में जो हम प्राप्त अंक करते हैं उसका परसेंटेज और जो शारीरिक जांच में जो परसेंटेज हम लोग पाते हैं उसके योग यानी कि उन दोनों को मिलाकर जो है हमारा मेरिट लिस्ट निकालने वाला है। बात करते हैं चिकित्सीय परीक्षण के, इसमें चिकित्सीय परीक्षण जो होता है नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थी को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा। तो देखिए ये सब हमारा जो है, और इसमें देखिए हम बात करते हैं वेतन मान की, तो वेतन मान इसमें हमारा कितना दिया जाता है देखिए यहाँ पे चौकीदार का वेतन जो होता है 100 शुरू होता है और यहाँ पे 20,200 तक यहाँ पे दिया जाता है। ग्रेड पे आपको 1800 दिया जाएगा। बात करते हैं सफादार के लिए, यहाँ पे वेतन मान जो है हमारा 100 शुरू होता है, 20,200 से यहाँ पे आपका जो है ग्रेड पे आपको 1900 दिया जाएगा। तो जैसे ये वैकेंसी आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, जल्दी ये इसकी वैकेंसी हमारे जेएसएससी निकालने वाली है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दें। तो चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।